हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अरावली के जंगलों में और आपको जंगलों के अंदर कैसे जिया जा सकता है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों आइए, आगे की तरफ आइए। हमारे को नीलगाय का मल मिला है और बहुत मात्रा में यहाँ नीलगाय पाई जाती है, तो अपने को सावधानी रखना पड़ेगी। चलो जंगल की तरफ आगे बढ़े और अपने को उस पहाड़ी की तरफ जाना पड़ेगा। हेलो, आज मैं हमारे दोस्त डेविड से मिलने वाला हूँ। वो हमारे को जंगल के बारे में जानकारी देगा, क्या क्या है क्या क्या नहीं इसके बारे में सब बताएगा। हेलो, हाय बुरा, हाय डेविड, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। अब हम जंगल की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जंगली जानवरों से बचने के लिए लकड़ी के दो बल्ले बनाने पड़ेंगे। चलो चलिए। मैंने ये लकड़ी काट ली है और मैं इसका मुंह नुकीला कर लेता हूँ जिससे हमें जंगली जानवरों से सुरक्षा मिले। ये हो गया है तैयार। चलो हमें ये फल मिले हैं, बहुत सी मात्रा में पाए जाते हैं अरावली पर्वत पर और ये खाने में खट्टे मीठे लगते हैं और बहुत ही अच्छे फल हैं। हम काफ़ी मुश्किलों के बाद पहाड़ों के ऊपर आ चुके हैं। जाने के लिए यहाँ पर कैंप बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हमें जगह ढूंढ ली है, इसके ऊपर हम कैंप बनाएंगे और रात यहीं गुजारेंगे। आज कैंप बन के तैयार हो गया है, अब हम खाने की और पानी की तलाश में जाएंगे। तरफ जाऊंगा अब शिकार की तलाश में। मैं निकल रहा हूँ आगे की तरफ। मैं नीचे की तरफ जाऊंगा शिकार ढूंढने। वो देखो खरगोश, हमें इसे पकड़ने के लिए कुछ यहाँ पर फंदे लगाने पड़ेंगे जिससे हम खरगोश को पकड़ सकें।
मैंने फंदा लगा दिया है, अब इंतजार करते हैं गेम की तरफ चल के। और मुझे आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पूरा आता है तब तक मैं यहाँ थोड़ी साफ सफाई कर लेता हूँ। डेविड और हम दोनों शिकार देखने जाएंगे। आप पूरा शहीद कुछ पछा है। खरगोश मिला यार। खरगोश।